Thank you.
जी आप सब लोग रेडी? अरसलान जी, अरसलान अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग रेडी हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट करें। थैंक यू। सबसे पहले तो एक क्लैरिफिकेशन दे दें आप सबको कि स्पेकुलेशंस चल रही हैं रिगार्डिंग मिस बाज फ्यूचर, और सबको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि ये सब स्पेकुलेशंस हैं। कल ऑब्वियसली क्रिकेट कमेटी का इजलास है, मिसबा भाई प्रेस इस इजलास में जाएंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, वो जो भी रिकमेंडेशन देंगी वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो अपनी रिकमेंडेशन देंगे इजलास के बाद, उसके बाद ही, और वो कोई नहीं जानता कि वो क्या हो। तो सबको पहले तो क्लैरिटी दे दें, ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्पेकुलेशन चल रही हैं। मिसबा उल हक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच, न्यूजीलैंड दौरे के बाद कल ही जो है वो लाहौर पहुँचे हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट देंगे और फिर हम इस फ्लोर को ओपन करेंगे फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन। जी मिसबा उल हक। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया बदीस। सबसे पहले तो टूर के बारे में जो भी बात करनी है उससे पहले ये ज़रूर कहूँगा कि पहले ही मैंने एक ब्रीफ एक्सक्यूज़ के लिए नहीं आया या कोई ऐसी वो करने नहीं आया। ऑब्वियसली वी लॉस्ट द सीरीज़, जो भी परफॉर्मेंसेस थी डिसअपॉइंटमेंट है, सारी टीम को है, मुझे भी है। बिकॉज जब आप इतना कुछ अचीव करते हैं पाकिस्तान के लिए और नंबर वन आप पोजीशन पे पहुंचते हो टेस्ट में खेलते हुए, और उसके बाद इस तरह की परफॉर्मेंसेस जब आती हैं, तो ये बाकी लोगों के लिए छोड़ें, हमारे लिए या मेरे लिए कोई ऐसी प्लीजिंग या कोई अच्छी खुशी वाली बात नहीं है, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है इस चीज़ की। बट दिस इज़ हाउ इट इज़, क्रिकेट गोज़ लाइक दैट। और मैं यहाँ पे
बिल्कुल भी इस चीज के लिए नहीं आया कि कोई एक्सक्यूजेस दूं, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि जो क्रिकेटिंग फैक्ट्स हैं, जो दुनिया की क्रिकेट में इस टाइम पे जो कुछ हो रहा है, या जो ऑन टूर चीज़ें थी, परफॉर्मेंसेस हमारी जो अप एंड डाउन हुई हैं, उसके जो फैक्ट्स हैं उस पर बात करूं, एंड आई होप कि जो क्रिकेट को समझने वाले हैं वो इस चीज़ को समझेंगे और इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या क्या वजूहात हैं, क्यों ये सब कुछ हो रहा है, इस तरह की परफॉर्मेंसेस क्यों आई हैं। आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए समझना, हमारे लिए भी समझना और जो फैंस हैं उनके लिए भी समझना। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे ख़्याल में वो ये है कि सबसे पहले तो जो टीम की मैं बात करूँगा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क, कमिटमेंट, जो कोचिंग टीम थी या जो प्लेयर्स थे, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज थे, जो टाइम था गिवन टाइम प्रिपरेशन के लिए, आई बिलीव के हमने अपनी 100% एफर्ट उसमें की, सब ने की। बट क्रिकेट में हमें पता है कि समटाइम्स जितनी भी आप कोशिश कर लें, प्रैक्टिस कर लें, रिजल्ट्स आपको शायद उस तरह के नहीं मिलते, क्योंकि लक का फैक्टर भी बहुत होता है इसमें। बीइंग बैट्समैन, आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें, यू गो देयर, हो सकता है पहली गेंद पे आउट हो जाएं। इसी तरह फील्डिंग की बात है, आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें, समटाइम्स इट्स नॉट गोइंग योर वे, तो इट्स नॉट गोइंग योर वे। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें मेरे ख्याल में जिसकी वजह से हम अफेक्ट हुए। टॉकिंग अबाउट अपोजिशन, आई थिंक आप सबको पता है न्यूजीलैंड की जो ये प्रेजेंट टीम है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, और स्पेशली एट होम जो उनका रिकॉर्ड है पिछले 2 सालों का, 2.5 ईयर्स, बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, एंड दे आर नॉट प्लेइंग इन बबल्स, ये भी उनको एक एडवांटेज है। ओवरऑल आई थिंक दे हैव बीन प्लेइंग एक्सीलेंट क्रिकेट, और उसके सामने हम शायद उस तरह की क्रिकेट नहीं खेले, अपने पोटेंशियल से नीचे थे, और उसकी वजह से भी रिजल्ट्स काफ़ी अफेक्ट हुए हमारे। आई थिंक मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, क्रिकेट को 1-1.5 साल पहले और अब की क्रिकेट में जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है, जो आप लोगों ने भी रियलाइज़ किया होगा, जब हम न्यूजीलैंड में गए और जब वहाँ पे कोविड की सिचुएशन हुई और एक लॉकडाउन की, एक आइसोलेशन की सिचुएशन हुई, और जहाँ पे हमने 3 दिन के बाद प्रैक्टिस करनी थी, अगले 9 दिन हमारा कैंप था, वो भी हमें आइसोलेशन में गुजारना पड़ा, और तकरीबन 18 से 19 दिन हम लोग कमरों में ही हमने गुजारे, एंड वी कुड नॉट डू एनीथिंग, जिसमें हम नॉर्मल जो एक एक्सरसाइज रनिंग वो तक नहीं कर पाए, रूम्स में हैं, रूम्स में वॉक कर रहे हैं, रूम्स में सारा कुछ कर रहे हैं, और ओवरऑल हमारी सिचुएशन छोड़ें, जो ओवरऑल दुनिया की क्रिकेट इस टाइम पे हो रही है कोविड की सिचुएशन में, आप देख रहे हैं कि टीम्स की परफॉर्मेंसेस अप एंड डाउन हो रही हैं, स्पेशली द टूरिंग टीम्स, जहाँ पर भी क्रिकेट हो रही है इंजरीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में हमने कैसे निकलना है, कैसे चलना है, इन परफॉर्मेंसेस को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, बट फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, और जिसकी वजह से आपके जो एंड रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। आई थिंक हमारी जो परफॉर्मेंस थी, यहीं से अगर हम देखें ओवरऑल ऑन द फील्ड, हमने मिस्टेक्स की, ठीक है, हमसे कैचेस ड्रॉप हुए, हमारे से जिस तरीके से बैटिंग करनी थी बॉलिंग नहीं कर पाए, बट देन अगेन हमने ये भी देखना है कि जी हमारी जो सबसे, जैसे हमने स्टार्ट किया यहीं से, एक बंदा कोविड की वजह से जा नहीं सका, जो कि हमारा T20 में शायद हमारी फर्स्ट चॉइस थी वहाँ पे एज एन ओपनर, या टूर्नामेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंस फ़ख्र ज़मान ने की थी, वहाँ जाके आई थिंक इंजरीज ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया हमें। सबसे बड़ी जो हमारे लिए वहाँ पे मसला हुआ वो बाबर आजम का हुआ, ऑब्वियसली बीइंग द नंबर 1 बैट्समैन इन T20,
I think that was a big miss for us. Or in Test cricket, even more reliable batsman in previous year, the way he performed in Australia, or जिस तरीके से England में उसने perform किया, जिस तरीके से यहाँ पे उसने runs किया, I think that was a big loss for us. ऐसे ही था हमारे लिए जैसे केन विलियमसन के बगैर न्यूजीलैंड टेस्ट क्रिकेट खेल रही होती, ये दोनों टेस्ट मैचेस जिस तरह का उसका कंट्रीब्यूशन था, बाबर का सेम रोल था हमारी टीम में, सेम पोजीशन थी. तो आई थिंक ओवरऑल ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मॉरल, जिसको कह सकते हैं कि धचका था मॉरली भी और ऑन द फील्ड भी, ऑब्वियसली उस परफॉर्मेंस का. आई थिंक ये सारी चीज़ें इसके बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि द एफर्ट पुट इन बाय पाकिस्तान टीम, हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, बट हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो अपोजिशन थी देवर बेटर देन एस इन ऑल थ्री डिपार्टमेंट्स, और उन्होंने प्रूव किया है पिछले दो ढाई सालों से. हमने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन उन्होंने अपनी जो वो बेहतर क्रिकेट है वो प्रीवियसली जैसे खेलते हुए आ रहे थे और वो रेडी थे, वेस्ट इंडीज से भी खेल रहे थे, उन्होंने हमसे बेहतर क्रिकेट खेली और दे डिफीटेड अस. सो ओवरऑल बाय द एफर्ट आई थिंक ऑफ माय टीम, कहीं भी मुझे शक नहीं है कि हमने अपनी तरफ से कोशिश में कमी छोड़ी, बट वी लॉस्ट टू अ बेटर टीम, वी प्लेड बेटर क्रिकेट. जाहिर है काफ़ी चीज़ें हैं, आपको भी चीज़ें नज़र आई, हमें भी नज़र आई, एंड वी नीड टू सॉर्ट दोज थिंग्स. कोशिश हमने करनी है कि आगे हमने इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, जिसमें कि मेजर फैक्टर्स हमें नज़र आ रहे हैं. फील्डिंग का बहुत बड़ा एक फैक्टर था और हमने उसको बेहतर से बेहतर करना है. अगेन मैं कहूँगा कि ये सारी चीज़ें ये वो फैक्ट्स हैं जो शायद दिल से आप सब लोग या क्रिकेट जो खेलने वाले हैं या देखने वाले हैं, समझने वाले, वो इन सारी चीज़ों को समझते हैं. ये सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा, ये दुनिया के सारे जितने भी बड़े कोचेज हैं इस टाइम टीमों के साथ, मार्क बॉचर है, मिकी ऑथर है, बाकी भी जितने रवि शास्त्री है, सबको ये प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं. एंड कोविड इज सम हाउ अफेक्टिंग द परफॉर्मेंसेज ऑफ द प्लेयर्स, उनकी फिटनेस इंजरीज का भी बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं. आई डोंट नो कि ये जो बबल्स हैं ये मेंटली और फिजिकली बहुत अफेक्ट कर रहे हैं प्लेयर्स को, बट दैट इज़ द फैक्ट. हम जितना भी आप मुझे कहें कि जी आगे एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ मैं या कोई ऐसी चीज़, तो सारी दुनिया को ये मसले हो रहे हैं और हमने इसका वे आउट निकालना है, हम कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल आई मीन इट्स अ बिग फैक्टर. हम भी परेशान हैं कि हमने कैसे चलना है इसमें, एक बबल से दूसरे बबल में, और फिर आइसोलेशन, और फिर यू हैव टू कीप योर क्वालिटी क्रिकेट की और फिटनेस की वो भी उस तरह रखनी है. बिफोर इवन गोइंग इन टू अ सीरीज़, जो आपके कैंप्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो फिटनेस है या फील्डिंग है, ये चीज़ें बहुत अफेक्ट कर रही हैं. आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जो कि ओवरऑल एक पैकेज बन के फिर आपकी परफॉर्मेंस को, मेरे हाल में हमारी परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट किया इसने. जहाँ तक बदीस ने पहले बात की क्रिकेट कमेटी की, ऑब्वियसली ये नॉर्मल प्रैक्टिस है. मुझे जाहिर है मैं पहले भी एक बीओजी के सामने भी अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से जाके मैंने उनको भी प्रेजेंटेशन दी, और इन क्रिकेट कमेटी एक नॉर्मल प्रैक्टिस है और वो होगी कल. और सेम चीज़ें जो सेम मसले हैं या सेम जो फैक्टर्स हैं, आई थिंक आई नीड टू जस्ट टेल देम एंड होपफुली एवरीबॉडी नोज क्रिकेट, जिसको जो अंडरस्टैंड करता है इन सारी चीज़ों को, इन सारे फैक्टर्स को समझेंगे, एंड वट एवर रिकमेंडेशन दे गिव इट टू द बोर्ड, फाइन, दिस इज़ अप टू देम. आई थिंक ये सारी चीज़ें थी जो ज़रूरी थी आप सब लोगों को बिफोर वी गो इन टू क्वेश्चन आंसर आपके सामने रखनी, एंड नाउ आई एम हियर. जो भी आपका सवाल है, सवाले से. थैंक यू सो मच मिस बावलक. सबसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर एक सवाल हो जाए तो उसको रिपीट ना करें, ताकि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज मिल सकें. पहले हम दो क्वेश्चंस लेफ्ट साइड से ले लेंगे, फिर राइट साइड से उमर कॉल्सन और सुहेल इमरान, फिर हम इधर आते हैं. मिस भाई, कॉन्ट्रैक्ट आपका 3 साल का है, लेकिन हर सीरीज के बाद आपका एक्स्ट्रा स्क्रूटनी हो रही है, रिव्यू किया जाता है आपकी परफॉर्मेंस को,
अभी आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि हमें इंप्रूवमेंट की तरफ प्लान करना है, जब आपकी हर सीरीज के बाद स्क्रूटनी होगी तो आप कैसे लॉन्ग टर्म प्लान कर सकेंगे? देखिए बात यह है कि एक स्क्रूटनी है और एक आपने एनालिसिस करना होता है किसी भी सीरीज का। एनालिसिस ज़रूरी है, एनालिसिस आपको भी करने चाहिए एंड ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड हैज़ अ राइट टू डू द एनालिसिस कि हाँ जी क्या चीज़ क्यों गलत हो रही है, मेरे ख्याल में इसको माइंड नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली दैट्स इम्पॉर्टेंट कि आपकी कम्युनिकेशन गैप ना हो, अच्छी कम्युनिकेशन, नीड टू अंडरस्टैंड वाकई जो फैक्टर्स हैं, वाकई जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको बेहतर करने की ज़रूरत है, उनको बेहतर अंदाज में प्लान करने की ज़रूरत है। और जहाँ कमी रहती है हमारी तरफ से, जहाँ हमारी मिस्टेक्स हैं, ऑब्वियसली उनको भी सामने लाने की ज़रूरत है ताकि हम आगे उसको रिपीट ना कर सकें। आई थिंक दैट इज़ वेरी वैलिड पॉइंट कि हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, बिकॉज थिंग्स टेक टाइम। और किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हो सकते, आपको थोड़ा सा टाइम देना है चीज़ों को, प्लेयर्स को भी, टीम को भी। बहुत ज़्यादा इसमें यंग प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऑब्वियसली वो रिजल्ट, एंड रिजल्ट्स जो हम चाहते हैं उसको आते हुए शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। आई थिंक ये हमारे लिए सब के लिए ज़रूरी है इसको अंडरस्टैंड करना, और इंशाल्लाह टाइम के साथ जो एंड रिजल्ट्स हैं वो भी फेवर में आएंगे। जितनी ये तनकीद भी आपके ऊपर हुई और जैसा उमर ने जिक्र किया कि क्रिकेट कमेटी का इजलास और स्क्रूटनी इस तरह होती है, आप मेंटली तौर पे कितने कंफर्टेबल इस चीज को महसूस करते हो कि एक क्रिकेट कमेटी जिसका अपना एक इजलास पिछले 7-8 महीने से नहीं हुआ, नया उनका चेयरमैन आता है और उसका अपना उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया, और एक इतने मुश्किल हालात में अगर कोई टीम वापस आती है और उसके हेड कोच और बॉलिंग कोच को बुला के उनको ग्रिल किया जाता है, तो ये एक मेंटली आप सेटिस्फाइड हो या इतना तनकीद होने के बावजूद आप ये डिसीजन भी कर सकते हो कि जी आप नहीं होता कुछ तो ना हो मैं स्टेप डाउन होता हूँ? देखिए तो अभी हम पहले इसका अंदाज पहले से कोई चीज़ मतलब है कि अपनी तरफ से अखज़ नहीं कर सकते कि ये क्रिकेट कमेटी का जो इजलास है इसमें क्या होने जा रहा है और क्या पूछेंगे। ऑब्वियसली आप एक रिपोर्ट देते हैं और एक अपनी तरफ से जो आपकी फाइंडिंग्स होती हैं या रिकमेंडेशंस होती हैं वो देते हैं। आई होप कि इट्स नॉट टू ग्रिल समवन बिकॉज वी आर देयर टू वर्क फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, मिल के हमने काम करना है। उन्होंने भी जो चीज़ें देखी हैं या जो वो इम्प्रूवमेंट्स देखना चाह रहे हैं टीम में, दे कम अप विद दोज पॉजिटिव रिकमेंडेशंस, और जो को कमी या कोताही जो गलतियां अगर कोई नज़र आ रही हैं उनको तो दे विल शेयर इट विद अस। क्योंकि अगर ये तो एक लाजमी सी चीज़ है कि अगर हम रिएक्टिव होंगे और खामखा चीज़ों को मतलब है वो करेंगे तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होना पाकिस्तान की क्रिकेट को। जाहिर है प्रेशर होता है इस पोस्ट पे जहाँ पे मैं हूँ या टीम है या वकार भाई हैं, देयर इज प्रेशर ऑब्वियसली एंड वी आर डिसअपॉइंटेड, वी आर ऑब्वियसली डिप्रेस जिस वजह से कि परफॉर्मेंस जिस तरीके से हुई है, आपके जो रिजल्ट आप चाह रहे हैं वो नहीं आए ऑलरेडी। मेरे ख्याल में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वी नो के यार दिस इज नॉट ऑन, वी नीड टू इम्प्रूव एज अ टीम, वी नीड टू इम्प्रूव एज अ कोचिंग टीम, जो एंड रिजल्ट और परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान टीम के। याकूब साहब जी, मुझे ये तीसरी सीरीज है बड़ी टीमों के साथ आपकी जो आप पाकिस्तान हारा है, तो आपको भी 1.5 साल हो गया टीम के साथ तकरीबन, तो आप क्या समझते हैं कि आप समझते हैं कि लड़कों के में वो स्किल नहीं है समझने की, कितनी को डिसअपॉइंटमेंट है आपके क्या जो आप समझाना चाहते हैं बच्चों को वो बच्चे समझते नहीं है, लड़कों से आप कितने डिसअपॉइंटमेंट है आपको बच्चों? देखिए बात ये है कि मैंने पहले ही कहा कि इन टर्म्स ऑफ द कमिटमेंट प्लेयरों की वो कोई शक नहीं मुझे कि अपनी तरफ से पूरी एफर्ट दे रहे हैं, पूरी जितनी भी वो कोशिश कर सकते हैं इन प्रिपरेशंस एंड एवरीथिंग। ओवरऑल अगर आप देखें पाकिस्तान को नहीं, ओवरऑल भी अगर आप देखें तो इट्स ऑलवेज डिफ़िकल्ट फॉर अ टूरिंग टीम, डिफरेंट कंडीशंस में मोस्टली टीमों को मुश्किलात हैं, चाहे वो दुनिया की दूसरी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम भी अभी भी देखें
कि जब वो सब कॉन्टिनेंट में आती है तो उनको उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है वो परफॉर्मेंसेस करना. आई थिंक इफ ओवरऑल हम देखें तो काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही है हमारी परफॉर्मेंसेस. अगर हम नंबर्स पे जाएं एंड रिजल्ट्स सिर्फ मैच के रिजल्ट्स ना देखें इवन इन दिस न्यूजीलैंड सीरीज भी, तो अगर आप पिछली टीमें जो 2017 से जिन्होंने टूर किया है न्यूजीलैंड का इस जो टॉप की न्यूजीलैंड की टीम के अगेंस्ट, तो नंबर्स काफ़ी हद तक आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस बैटिंग में भी और बाकी डिपार्टमेंट्स में वो बहुत बेहतर है. उन टीमों से हमने बेहतर कम्पीट किया. और पहले टेस्ट मैच में जिस तरह की टीम खेली, इवन टी ट्वेंटीज में भी कोई ऐसा नहीं था कि वन साइडेड अफेयर चल रहा था. आई मीन एक मैच हमने जीता टी ट्वेंटी में, दो क्लोज गेम्स हुई. हालांकि हम लोग विदाउट फुल स्ट्रेंथ भी थे, इंजरीज थी, पूरी तरीके से हमारी प्रिपरेशंस भी नहीं थी, फिर भी हम बड़े करीब थे. ऐसा नहीं था कि जी हमें लग रहा था कि वन साइडेड अफेयर चल रहा है और टीम बिल्कुल कंपीट नहीं कर पा रही. तो ओवरऑल आई थिंक डिफिकल्टीज हैं. एक जो डिफरेंट हमारे जिसको कहें कंडीशंस को अडॉप्ट करने में अभी भी हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं. फेजेस में अच्छी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं. ओवरऑल वो जो जैसे होता है कि एक आप एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं हर डिपार्टमेंट को, कलेक्टिवली आपकी विनिंग परफॉर्मेंस है वो नहीं आ रही, और यही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है. तो हमें आइडिया है इस चीज़ का. तीन बड़ी सीरीज हैं, तीन बड़ी टीमों के साथ वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव. और आपने देखा होगा कि तो पहले एक हमारा बड़ा मसला था ऑलराउंडर का कि नीचे हमारे पास नंबर 7 पे या नीचे के नंबर्स पे हमारे पास वो बैटिंग लाइनअप उस तरीके से परफॉर्म नहीं. तो आई थिंक खुशी की बात यह है कि फहीम ने काफ़ी हद तक जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस रही है बेहतरी की तरफ गए हैं. आइंदा हम बाहर खेलेंगे अगर तो ये एक हमारे लिए थोड़ा सा एडेड एडवांटेज जरूर होगा. रफीक खान साहब. मिसबा आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत स्लो है, बहुत मतलब आप मतलब परेशान से लग रहे हैं. हालांकि कोच जो होता है वो तो हलाशेरी देने वाला होता है. एक तो ये बताइएगा कि आपने वहां पर सारी चीजें नेगेटिव बताई हैं कि ये हो गया वो हो गया, कोई ऐसा शोभा नहीं था जिसमें हमने कुछ कामयाबी हासिल की है. देखिए ना, आप लोग गए थे वहां पे सीरीज जीतने के लिए नहीं गए थे, आप तो खैर सगाली के तौर पे वहां खेलने के लिए गए. आप ओपन ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम वहां गए हैं, हमने वहां जाके सीखा है, हमारे मतलब आप तीनों शोबों में कहने की हमारी खामियां थी. तो क्या ऐसा कुछ मतलब क्या आप नहीं समझते कि कुछ आप खुद भी नहीं समझ पा रहे कि हमारे साथ वहां पर क्या हुआ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. छलांगे मारने से तो कुछ नहीं होता. ज़ाहिर है आप हलाशेरी देते ही हैं तो आपकी टीम फ्रॉम डाउन एंड आउट जाती है, और टेस्ट मैच ऑलमोस्ट जो कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा और आप उसको आखिरी 5 ओवर तक ले जाते हैं, फिर आपकी टेल इस तरह की फाइट करती है जो कि पाकिस्तान में कभी भी ऐसे नहीं हुआ. लॉट ऑफ पॉजिटिव्स मैंने पहले ही कहा, सबसे बड़ा पॉजिटिव आपके पास फवाद आलम ने रन्स किए ज़बरदस्त, फहीम अशरफ की परफॉर्मेंस, रिजवान की परफॉर्मेंसेस इन बोथ फॉर्मेट्स जो कंटिन्यूटी थे जिस तरीके से उसने रन्स किए, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़े प्लसेस हैं हमारे. अजहर की इनिंग्स, आई थिंक द वे ही प्लेड डिफिकल्ट कंडीशंस में, आई थिंक दैट वाज अ पॉजिटिव. पॉजिटिव चीज़ें काफ़ी हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं. लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि मैं चाहे बताऊँ या ना बताऊँ जो फैक्ट्स हैं जिनकी हमारी परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट हुआ है वो मैं ज़रूर बताऊंगा. चाहे आप दुनियादारी कहते रहे कि ये जी ये तो बहाने कर रहे हैं, ये नेगेटिव, दीज आर फैक्ट्स. ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी दुनिया कह रही है. कोई भी स्पोर्ट्समैन ऐसा नहीं है जो कहे कि मैं 20 दिन 19 दिन मुझे कमरे में बंद कर दो और उसके बाद एक हफ्ते की प्रिपरेशन के साथ वो कहे कि मैं टॉप टीम को बीट कर दूंगा. ये फ़र्क पड़ता है आपकी परफॉर्मेंस पर. आप चाहे जितना मर्जी यहाँ पर आके कह लो नहीं 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 ये नहीं है, ये होता है. 18-19 दिन छोटी चीज नहीं. अगर हमें 9 दिन मिलते तो शायद हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होती. स्टिल मैं कहूँगा कि जिस किस्म की न्यूजीलैंड की टीम है और जो उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, वन ऑफ द टॉप टीम है वो इस टाइम दुनिया की, नंबर 1 होगी वो टेस्ट में और अपनी कंडीशंस में. तो वो जब नंबर 7-8 पे भी थे तो उस वक्त भी वो दुनिया को टफ टाइम देते थे. तो ये फैक्ट्स हैं. जहाँ तक मेरी बॉडी लैंग्वेज की बात है तो मैंने तो इनक्रेज किया टीम को, पूरी अपनी तरफ से कोशिश किया कि हम हर सिचुएशन में लड़ते हुए जाएं. हम अगर हारते भी हैं तो
तो हमें कम से कम ये हो कि हमारी तरफ से फाइट हो, हम पूरी अपनी एफर्ट करें। और मेरे ख्याल में सिवाय आखिरी टेस्ट मैच के आपने हर मैच में देखा कि टीम ने गिव अप नहीं किया, एंड आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट प्लस फॉर अ टीम। और अब ये टीम करती रहती है तो उसकी इम्प्रूवमेंट होती रहती है और आप कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को अचीव करते हैं जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। थैंक यू। अन सईद और यूसुफ अंजुम। मिसबाब, कल क्रिकेट अकेडमी का इजलास भी है तो उन्होंने अपनी भी तैयारी की होगी, तो आप कल तैयारी के साथ जा रहे हैं? और दूसरा सवाल ये है कि मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट लिया है, उनका ये कहना है कि आपके रवैये की वजह से जब रिटायरमेंट लिया पाकिस्तान टीम में यस बॉस करने वाले जो हैं वो रहेंगे, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मोहम्मद आमिर की अपनी एक राय है, आई थिंक मैंने हमेशा रिस्पेक्ट की है प्लेयर्स की, चाहे वो सीनियर हों जूनियर हों जो टीम में खेलते हैं। मैं कप्तान था जब मोहम्मद आमिर 2016 में वापस आए, हर चीज़ को साइड पर रख के उसको वेलकम किया, पाकिस्तान के लिए सपोर्ट किया उसको। जब मैं एज ए कोच भी आया तो सपोर्टेड हिम। इंग्लैंड सीरीज से पहले मुझे याद है कि उसका एक पर्सनल इशू था जिसकी वजह से वो जा नहीं सकता था इंग्लैंड, और मैंने उसको पूरा कोशिश की कन्विंस करने की कि आमिर आप जैसे भी आप लेट आ जाओ कोई मसला नहीं, एज ए सीनियर प्रो ऑस्ट्रेलिया में हर जगह पे उसका हमेशा सपोर्ट किया। और वो इनिशियली नहीं गया इंग्लैंड, लेकिन बाद में वहाँ पे जब वो अपने उस पर्सनल इशू से बाहर आ गया फिर उसका मुझे मैसेज आया तो फिर उसको हमने रिकॉल किया, वो कार भाई ने भी रिकॉल किया कि ठीक है हमारा एक सीनियर प्रो बॉलर है और हमें चाहिए ऐसा बॉलर। वहाँ पे जाके आमिर खेलते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, थोड़ी सी फॉर्म भी उसकी ऐसी थी, फिर वो वापस आता है यहाँ पे खेलता है उस इंजरी से। और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सिंपल रीज़न दी थी कि हम क्योंकि हमने स्नैन को खिलाना है, हमने हारिस रोफ को खिलाना है, और इन यंगस्टर्स को खिलाने की वजह से हम आमिर को इसीलिए इस सीरीज़ में कंसिडर नहीं कर रहे ताकि इनको हम पूरी सीरीज़ खिला सकें। मूसा ने भी ऑब्वियसली खेलना था। उसके बाद एक सिंपल सी चीज़ है, आपने देखा उसी दौरान में हमारा T20 टूर्नामेंट हुआ, कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी आमिर की फॉर्म, पहले 6 मैच वो नहीं खेले वहाँ पे, 5 या 6 मैच व्हेन ही प्लेड वही उसकी जो परफॉर्मेंस या उसकी जो बॉलिंग वो अपने बेस्ट पे वापस नहीं आए। एक स्टेज पे ऐसा हुआ कि नॉर्दर्न की टीम में ही वॉजंट एबल टू बेसिकली गेट इन द साइड, वहाँ पे भी उससे दूसरे जो लड़के हैं वो खेल रहे थे तो उनकी परफॉर्मेंसेस बेहतर। तो सिंपल सी चीज़ थी, हमने इंग्लैंड में वकार भाई ने और मैंने आमिर से बिल्कुल क्लियरली ये बात की थी कि यू आर आवर सीनियर, यू आर आवर स्ट्राइक बॉलर, और आपसे हमें यही उम्मीद है कि अगर आप T20 खेलते तो 4 ओवर आप यू गो ऑल आउट फुल थ्रॉटल पे जाएं, आप विकेट्स लें और हमारे लिए जो भी आप स्विंग करते हैं ऊपर से वो ये आपका रोल है। अगर ये नहीं होता है आप अपनी जो आपकी पेस है 87-88 पे आप बॉल कर सकते हो, अगर आप 81-82 पे बॉल करेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल हमारे लिए, बड़ा हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है उसके लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अब शाहीन जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, हसनैन ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, हारिस रोफ जिस तरह बॉलिंग कर रहा है, तो आई थिंक कंपटीशन इज देयर, आपने उनको कम्पीट करना है। ये नहीं हो सकता कि जी उनकी परफॉर्मेंस के बावजूद आप कि सीनियर बॉलर को प्रेफरेंस दें और परफॉर्मेंस ना हो, तो इट वाज सिंपली ऑन परफॉर्मेंस। जब तक ये टीम अनाउंस हुई है आमिर की वो फॉर्म नहीं थी, वो अपने फुल उस पर बॉलिंग नहीं कर रहा था, नथिंग पर्सनल। वकार यूनुस के बारे में जितनी बातें हुई कि वकार यूनुस का इससे कोई लेना देना नहीं था। देखें 6 कोच थे जो सेलेक्टर थे, मैं चीफ सेलेक्टर था, कप्तान था। ये नहीं हो सकता कि जी कोई एक बंदा ऑल आउट जाकर डिसीजन कर ले किसी पे भी, इट मींस कि नोबडी वाज सपोर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये कहना किसी का किसी एक को इसको कोई और रंग देना, आई थिंक ये मेरी समझ से बाहर है। क्यों आमिर ने ऐसा किया, ना कभी आमिर के साथ हमारा कोई ऐसा रवैया रहा है ना कुछ, आई थिंक सिंपल आमिर के लिए ये था कि यू शुड हैव जस्ट गॉन बैक, अपनी परफॉर्मेंस अपनी बॉलिंग और अपनी फॉर्म आगे प्रूव करता और सिंपली गेट बैक इन द टीम। आई थिंक बाकी चीज़ें इररिलेवेंट है, बाकी सारी बातें जी। देखिए होमवर्क तो तब आप करते हैं जब आपने कोई जाके कोई अपनी तरफ से चीज़ें करनी हो,
इट्स वेरी सिंपल, फिंगर टिप्स पे हैं आप सबकी भी, हमारी भी, जो परफॉर्मेंस है, जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं, कोई हमने अपनी तरफ से बना के चीज़ें वहाँ पे नहीं करनी। तो होमवर्क जो सवाल वो करेंगे, हमने क्रिकेट जो भी डिसीजंस किए हैं वो क्रिकेटिंग उस पर किए हैं, जो भी हमारी अगर हमने परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हुई है वो भी सब हमें पता है कि क्यों हुई है, कैसे हुई है। तो आई थिंक आई विल गो विद द फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स होंगे उनको बताऊंगा एंड उसको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा एंड देन ऑब्वियसली इट्स अप टू देम। थैंक यू। सवा साल से आप पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं, बतौर हेड कोच, बतौर चीफ सेलेक्टर, आपने जो चाहा उसको टीम को इंतखाब किया, तो आप समझते हैं कि सवा साल में हम एक सीरीज भी, हम अवे सीरीज नहीं जीत पाए, तो कहाँ गलतियाँ देखते हैं और कोई ऐसा फैसला जो आप समझते हैं कि सिलेक्शन में या किसी और तरीके से आप तस्लीम करेंगे बतौर हेड कोच उससे गलत फैसले भी हुए, और नंबर 7 से अब नंबर 1 का सफर कितना हमारे लिए मुश्किल होगा और कितना टाइम इसके लिए चाहिए होगा? देखिए, जो फ्यूचर की आपकी प्रेडिक्शंस होती हैं या वो होती हैं, आप उसके लिए प्लान ज़रूर करते हैं, लेकिन आप कोई उसको टाइम नहीं दे सकते कि जी कैसे आप वहाँ तक पहुँचेंगे। ज़ाहिर है हमारे लिए, मैंने पहले ही कहा, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, जो रिजल्ट्स हमारे आने चाहिए थे वो नहीं। एक टेस्ट इंग्लैंड का जहाँ से हमारे हाथ से निकला वो बहुत बड़ी हमारे लिए एक डिसअपॉइंटमेंट है, वरना आप देखें कि एक टेस्ट वो सीरीज़ आप जीते होते तो दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट सिनेरियो, और बिल्कुल ऐसी जगह पे आपके हाथ के एक सेशन में आपके हाथ से वो टेस्ट मैच निकल गया। इसी तरह न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट, जिस तरीके से टीम ने फाइट आउट किया, जो भी था, आई थिंक फ्रॉम देयर ड्रॉ भी एक जो है वो बहुत बड़ी एक हमारी टीम के लिए एक मोरल बूस्टिंग भी होती। तो चीज़ें अभी शायद रिजल्ट, एंड रिजल्ट्स मैंने पहले कहा ना, नहीं आ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट है, कहीं ना कहीं आप उस तरफ जा रहे हैं, आप कंपेटिटिव हैं, आप ऐसी सिचुएशंस में आ रहे हैं जहां आप चांस क्रिएट कर रहे हैं। तो जहां तक सिलेक्शन की बात है, आई थिंक जब आप किसी को सिलेक्ट करते हैं, खिलाते हैं, तो बड़ा आसान है परफॉर्मेंस देख के तो हर किसी को पता चलता है कि ये गलत जो है सिलेक्शन कर दिया हमने, लेकिन पहले शायद कोई भी नहीं बता सकता किसी को सिलेक्ट करने से पहले उसकी परफॉर्मेंसेस के, ये भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में आएगा या इधर परफॉर्मेंसेस की होगी या नहीं होगी। आई थिंक कि जो मैंने पहले बात की, क्रिकेटिंग फैक्ट्स लॉजिक्स पे कोशिश की है कि सिलेक्शन की जाए, और मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, मिस्टेक्स होती हैं कई दफ़ा, आपको बाद में थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ ये गलती है, बट आई थिंक ओवरऑल जो भी कोशिश ये थी कि बेहतर से बेहतर, आई थिंक डिसीजंस ठीक थे, बट उस तरीके से हमारे रिजल्ट्स नहीं आए। मिसबा, पीसीबी ने आपके नया तजुर्बा किया था, हेड कोच भी और चीफ सिलेक्टर भी, जिस तरह अभी आपने बताया कि इंग्लैंड के बाद इतने नाकदीन ने आप पर गोलाबारी की तो आपको एक ओहदा स्टेप डाउन करना पड़ा चीफ सिलेक्टर का, इस बार भी आप पर काफ़ी नश्तर बरसाए जा रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि यहाँ तक कह दिया गया है कि आपको फौरी क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद सीधा हेड कोच और चीफ सेलेक्टर लगाया गया और आपने किसी स्कूल तक की कोचिंग नहीं की, तो ना इस तरह क्या आप समझते हैं कि ये क्या इस पर आपका मौकफ है? देखिए, बात यह है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर इंसान अपने ज़र्फ के मुताबिक बोलता है। जब आप बोलते हैं ना तो आप बेसिकली दूसरे के मुताबिक नहीं बोल रहे थे, आप अपने अंदर अपना अंदर दिखा रहे होते हैं। तो जो बोल रहे हैं इस तरह की चीज़ें वो बोलते रहें, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मेन जो फोकस है मेरा वो यही है कि जो भी पाकिस्तान टीम के लिए या उसकी बेहतरी के लिए कर सकता हूँ वो करूँ, अपनी पूरी एफर्ट्स करूँ। तजर्बे की बात जो हो रही है या ये सारी चीज़ें, आई थिंक लोगों को नहीं पता कि मैंने किस तरीके से टीमों को डेवलप किया है, किस तरीके से डिफरेंट टीमों के साथ रहा हूँ। आप सब लोगों को पता है किन किन टीमों को कहाँ से कैसे डेवलप किया है, एक्सपीरियंस इस लिहाज से बहुत है, वरना आपके सामने बड़े कोचेस हैं जिनका कोचिंग में बड़ा तजर्बा है, और जो जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंसेज हैं दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, वो क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज देयर। आई थिंक उसको उस पे रिएक्ट करने पे अपनी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं करनी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे हाथ में जो, मेरे हाथ में जो चीज़ें, जो मेरे हाथ में एक जो काम मुझे मिला हो उसके लिए मैंने बेहतर से बेहतर अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है, एंड आई एम फोकसिंग ऑन दैट। मिस्टर भाई, क्रिकेट कमेटी के इजलास में आप कल पेश भी हो रहे हैं और उन्होंने बकाये तौर पर कहा कि हम सवालात भी करेंगे, लेकिन चेयरमैन
क्रिकेट कमेटी तो चेंज हो रहे हैं, नीचे वही लोग बैठे हुए हैं, तो क्या आप अभी तक उन लोगों को पिछले एक डेढ़ साल के अंदर सेटिस्फाई करने में नाकाम रहे हैं जो वो आपको हर सीरीज के बाद आपकी परफॉर्मेंस को ओवरव्यू करने के लिए, और एक समझते हैं कि एक्स्ट्रा बर्डन और एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जा रहा है टीम मैनेजमेंट के ऊपर? देखिए आई थिंक नया टूर है, इसको रिव्यू करना है हमने, न्यूजीलैंड टूर को रिव्यू करना, पीछे जो था वो पहले की परफॉर्मेंस रिव्यू थी, तो इट्स नॉट समथिंग के यार जिसको हम कहेंगे नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बट ऑब्वियसली मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि बैठ के हमें डिस्कस करना चाहिए और रियलिस्टिकली फैक्ट्स पे, फैक्ट्स बेस हमारे एनालिसिस हों और उस पे रिकमेंडेशन हमारी होनी चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट को जिसका फ़ायदा हो। हमें उन सारे फैक्टर्स को जहन में रखना चाहिए, कोई एक फैक्टर नहीं होता, कोई एक मिसबॉल हक वजह नहीं हो सकता परफॉर्मेंस की। आई थिंक बैट्समैन से अगर रन्स नहीं हो रहे या परफॉर्मेंस नहीं हो रही है या हमारी पिछले इतने सालों से अवे टूर्स पे परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही हैं, तो इसके पीछे जो मेन और रीजंस हैं, फील्डिंग में अगर प्रॉब्लम्स हैं हमारी या फिटनेस पे प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके पीछे जो मेन रीजंस हैं जो डीप डाउन है, जब तक उनको एड्रेस नहीं किया जाएगा, एक बंदे के मेरे ख्याल में आने से या बदलने से चीज़ें नहीं बदलती। सिस्टम हमें वो सारे फैक्टर्स को रियलिस्टिकली ऑनेस्टली बैठ के एड्रेस करने की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल में वो कर सकते हैं। क्रिकेट कमेटी में क्रिकेटर्स हैं, दे नो, उन्होंने क्रिकेट खेली भी है, समझते हैं भी हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को, और वो बेहतर सजेशंस कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्रिकेट कमेटी में बहुत क्वेश्चन हो गए, अगर किसी और के और क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछे। और दूसरे के सवाल बहुत ज़्यादा, आई नो हम बहुत देर बाद आए हैं, तो जिनके नहीं ले सकेंगे उनसे माजरत। एजाज वसीम बाकरी और अब्दुल कादिर ख्वाजा। मिसबा, मोहम्मद आमिर के हवाले से आपने तफसीली जवाब दिया, वो कहते हैं कि मैं ICC वनडे रैंकिंग में अभी भी टॉप 10 के अंदर शामिल हूं। दूसरी तरफ से वो ये मिसाल देते हैं कि तो वनडे तो हम नहीं खेल रहे ना भाई, हम तो T20 और टेस्ट खेलने हैं। दूसरा वो ये कहते हैं कि जी हारिस रऊफ जो हैं उनको T20 लीग्स की बुनियाद के ऊपर टीम के अंदर शामिल किया गया, और वो ये कहते हैं कि मिसबा और वकार ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इंटरव्यू में कहा कि मैं लीग खेलकर पैसा कमाना चाहता हूं। एक तरफ वो ये कहते हैं कि जी बाज़ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी परफॉर्मेंस ना होने के बराबर है, और दूसरी मेरी परफॉर्मेंस है तो ذاتی अनाद की बुनियाद के ऊपर मुझे बाहर निकाला गया। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि प्रीवियस जो परफॉर्मेंसेस हैं वो मैटर करती हैं, लेकिन आपकी करंट फॉर्म मैटर करती है कि करंटली आप कैसे बॉलिंग कर रहे हैं, वरना तो कोई भी बंदा जो है वो मेरे ख्याल में टीम से बाहर ना होता। करंट मैंने आपको पहले बताया कि उसकी करंट फॉर्म जो है, जो करंट बॉलिंग है वो उस तरह की नहीं थी, बाकी बॉलर्स की बेहतर थी। हारिस रऊफ को आप देख लें, वो T20 टूर्नामेंट में वो और शाहीन शाह टॉप पे थे, सेम T20 टूर्नामेंट आमिर भी खेल रहा था, और उसकी जो बॉलिंग की क्वालिटी है, मैं आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, आमिर इज़ अ क्वालिटी बॉलर, मैंने पहले भी कहा, और हमारी कोई ऐसा, मैं अभी भी, उसने रिटायरमेंट ली है, मुझे अभी भी कोई उससे वो नहीं है, अभी भी वो खेलता है और अपनी बेस्ट पे होता है, तो मैं उसको वेलकम करूँगा इस सारी चीज़ों के बावजूद भी। दूसरी आपने बात की कि मैंने कभी ये बात नहीं की कि मुझे टेस्ट में, जब मैंने रिटायरमेंट ली तो आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड हिज डिसीजन, मैंने कभी ये नहीं कहा जी उसने इसलिए ले ली, उसने इसलिए ले ली, इट्स हिज पर्सनल डिसीजन। बट जो भी आप फॉर्मेट खेल रहे हैं एज ए सीनियर प्लेयर, ये हमेशा मेरी आमिर से भी बात हुई, वहाँ बाकियों से भी, एज ए सीनियर प्लेयर यू आर देयर जैसे मोहम्मद हफीज हैं, यू हैव टू लीड द टीम, जो भी आपकी, आपने लीडिंग परफॉर्मेंस देनी, आप सर्वाइविंग उसमें नहीं रह सकते कि भी एक मैच में परफॉर्मेंस की, चार मैचेस में नहीं की, एक में जोर, ये आपको चैलेंज लेना है एज ए सीनियर प्लेयर। सो आम इफ आमिर कम्स इन दैट, अभी भी यकीन करें मेरे दिल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आमिर ने ये कह दिया वो कह दिया, इज मोर वेलकम, अच्छी परफॉर्मेंस देता है, अच्छी फॉर्म में है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है, वी ऑलवेज टेक हिम इन द टीम, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मिस्टर भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है कि आपने नो डाउट पाकिस्तान के बेहतरीन कप्तान थे, नंबर वन टेस्ट टीम थी, 26 टेस्ट मैचेस जितवाए, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस से कितने मुतमईन हैं? और क्रिकेट कमेटी का, माजरत के साथ मैंने शुरू से सोचा हुआ था सवाल, तो क्रिकेट कमेटी का जो इजलास है कल, जो आपसे सवालात होंगे, तो
अगर वो तजवीज़ देते हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आपको हटाया जाए, तो इसका आप पे क्या रिएक्शन होगा और आप क्या रिएक्शन देंगे और इस पर उससे पहले खुद फैसला करेंगे? और दूसरा ये है कि सर, मिकी ऑर्थर से कभी आपने आपको बेहतर कोच समझा या वो बेहतर थे? देखिए, सबसे पहले तो मैंने कंपेरिजन अपना किसी के साथ नहीं किया। आई थिंक हर बंदे का अपना एक रोल होता है। मिकी ने अच्छा काम किया पाकिस्तान के लिए और वट एवर सर्विस इज गिवन फॉर पाकिस्तान, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम। मैं उसके साथ कभी कंपेरिजन नहीं करता। दूसरी जो चीज़ है, क्रिकेट कमेटी की रिकमेंडेशंस, दैट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल। वट एवर दे थिंक आफ्टर लिसनिंग टू जो भी है, वो जो भी रिकमेंडेशन देते हैं, और क्रिकेट बोर्ड कोई भी डिसीजन करता है तो वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो उन्होंने करनी है। मैं अपना जो एक ऑनेस्ट मेरी ओपिनियन है वो ज़रूर दूंगा हर चीज़ पे। अपनी परफॉर्मेंस की बात जहाँ तक आप करते हैं, मैंने पहले ही कह दिया कि डिसअपॉइंटमेंट है इन टर्म्स ऑफ एंड रिजल्ट्स, डिसअपॉइंटमेंट है। सर्टन चीज़ों पे वी आर गोइंग टूवर्ड्स, आई थिंक एक बेहतर उस साइड पे हम जा रहे हैं, बट स्टिल कलेक्टिवली एज अ टीम जो एंड रिजल्ट्स हैं वो नहीं हैं। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, जो मैं चाहता हूं या जो आप सब चाहते हैं और जो पूरा पाकिस्तान चाहता है। जी हाफिज। मिसबा, अगर हम बात करें, जब आप आए थे तो ऑलमोस्ट ऐसी बातें, बहुत सी बातें की गई, जी कोचिंग का पता नहीं है, सारा कुछ, सबको छोड़ के अगर हम अब तक देखें, इस जो डेढ़ साल में अपने सिलेक्शन की, उसमें आप समझते हैं कहीं ना कहीं गलती हुई? जैसे अहमद शफीक ने एक परफॉर्मेंस दी और वो टीम में आ गया, किसी कल T20 परफॉर्मेंस के बावजूद से किसी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया। नसीम शाह की मिसाल हमारे सामने, अब तक वो उस तरह तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाए, जबकि दुनिया को अगर हम देखें जो उनके जो प्लेयर्स आते हैं वो नीचे से सीख कर आते हैं, लेकिन यहाँ हमें लगता है कि जब भी सीरीज होती है कोचिंग के हवाले से बात करें तो आप कह रहे हैं कि जी बेहतरी आ रही है, प्लेयर्स के हवाले से बात करें वो हर शिकस्त के बाद ये कह रहे होते हैं कि हम सीख रहे हैं, तो इस सीखने का अमल कब तक जारी रहेगा? और दूसरा, अगर साउथ अफ्रीका की सीरीज आ रही है, अगर वो कंटिन्यू किया जाता है तो उसके हवाले से क्या प्लान होगा? देखिए, सबसे पहले तो सिलेक्शन की बात करूँगा। अब्दुल्ला शफीक को सिलेक्ट करने का जो मकसद था, ये था कि बने ने डेब्यू किया ग्रेड टू में, उसने प्रूव किया, एक अंडर 19 से, एक प्रॉपर चैनल से आ रहा था, 100 किया फर्स्ट क्लास के डेब्यू पे, 150 किया T20 के डेब्यू पे, 100 किया, और वो यंग ज़रूर है बट जो उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत मेच्योर थे। अगर आप T20 टूर्नामेंट में देखें तो अब्दुल्ला शफीक आफ्टर रिजवान, आफ्टर फ़खर जमान, आपके जो ये टॉप के ओपनर्स थे बाबर आजम, ही वॉज अनदर वन जो कि नंबर 3-4 पे था। उसकी स्ट्राइक रेट भी 135-136 का स्ट्राइक रेट था, उसकी जो एवरेज थी उस टूर्नामेंट में वो भी विद ऑल अदर टॉप के जो ओपनर थे, इस वजह से उसको पिक किया गया। उसको बाय लुकिंग एट हिज रिकॉर्ड के यार उसे फर्स्ट क्लास में भी 100 किया, अगर टेक्निकली भी सॉलिड है, टेम्परामेंट अच्छा है, फिर डेब्यू पे T20 में 100 करना, फिर डेब्यू पे जब वो T20 खेला है फिर भी उसने स्कोर किया। मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि हमारे सामने एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। हम सिर्फ स्ट्राइक रेट्स के चक्कर में जो हम सोच रहे हैं, आप देखें कि इवन शर्जील खान जैसा जो बैट्समैन था उससे उसकी एवरेज और स्ट्राइक रेट बेहतर था उस टूर्नामेंट में, और हफीज की मिसाल आपके सामने है जो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं, जो क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं प्लेयर, जो कि हर फॉर्मेट के अच्छे प्लेयर हैं, इवन T20 में भी वो बेहतर प्लेयर हैं, क्योंकि वो आपको एक कंसिस्टेंसी भी देते हैं, स्टेबिलिटी भी देते हैं। एग्जाम्पल्स दुनिया में मौजूद हैं। बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन है T20 का, विराट कोहली T20 में टॉप 2-3 बैट्समैनों पर रहता है, वो हर फॉर्मेट का प्लेयर है, वो कोई ऐसा नहीं है कि जाके वो उठा के मारता है। इवन रोहित शर्मा, दुनिया के जितने टॉप प्लेयर हैं वो तीनों फॉर्मेट्स के अच्छे प्लेयर हैं, वो T20 में भी अच्छे प्लेयर हैं। तो अब्दुल्ला शफीक को पिक करने के पीछे भी यही साइकी थी। अगर फ्रेंचाइजें नहीं कर रही ऐसा, तो फ्रेंचाइजें तो मोहम्मद रिजवान को भी पिछले 3 साल से नहीं खिला रहे, कि जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी प्रूव किया उस पे चांस नहीं रहे, उसकी जगह किसी न किसी और को आप खिलाए जा रहे हैं और उसको आप प्रमोट नहीं कर रहे, उसको आप चांस नहीं दे रहे। जब उसको ओपनिंग पे चांस मिला है टूर्नामेंट में, उसने बाकी सब ओपनरों से ज़्यादा रन किए, न्यूजीलैंड में वो इतना अच्छा खेला, तो आई थिंक
ये साइकी हमें बदलनी पड़ेगी कि सिर्फ जाके घुमाने वाले वही ओपनर हमें चाहिए। जब क्वालिटी बॉलर्स के सामने आप जाते हैं तो आपके पास क्रिकेटिंग शॉट्स होने चाहिए, आपके पास बेहतर टेक्निक होनी चाहिए, तभी आप उस लेवल पे कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है तुषार सर। मिसबाक जी, नसीम शाह भी मैं अभी भी मानूंगा कि नसीम शाह वो इसलिए पिक नहीं हुआ था कि ही वॉज अ यंग बॉलर एट दैट स्टेज, वो इसलिए पिक हुआ था कि इन पेस इन टर्म्स ऑफ विकेट्स चार मैचों में उसकी टॉप विकेट्स थी उस टाइम पे, और हमारे पास जो एक आपका बॉलिंग अटैक बनता है उसमें सिंपल होता है कि एक आपके पास लेफ्ट आर्म सीमर है, स्विंग बॉलर है, दूसरा आपके पास अब्बास की जरूरत में अच्छा सीम करने वाला है, कंट्रोल देता है आपको, तीसरा बॉलर आपको ऐसा चाहिए जो डिफरेंट ओन से 140 प्लस वाले आपके पास बॉलर नहीं है, अभी कोई और ऐसा बॉलर आपके पास डेवलप नहीं है, एंड वो उस टाइम पे आपका बेस्ट था। ठीक है वेट वर्स पे उसकी परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं है, लेकिन होम सीरीज जब वो खेला है तो आप देख लें श्रीलंका अगेंस्ट भी बांग्लादेश के अगेंस्ट जिन कंडीशंस में वो बॉलिंग करता है वो आपका मैच विनर था, एंड आई थिंक कि दो मैचों की बुनियाद पर फिर वही बात है, हमारे पे क्रिटिसिज्म होता है बट दो मैचों के बाद हम जो है ना वो राइट ऑफ करना शुरू कर देते हैं किसी को, टाइम लगता है। आप देखें दुनिया के जितने भी बॉलर बनते हैं अभी 10 टेस्ट भी नहीं हुए उसके, मैं अभी भी बैक करता हूं उसको, अभी भी मैं समझता हूं कि वो अभी भी पाकिस्तान के लिए एसेट है और इंशाल्लाह आगे परफॉर्मेंस करेगा। जी साउथ अफ्रीका सीरीज डेफिनेटली प्लान करेंगे, डेफिनेटली देख रहे हैं, डोमेस्टिक के परफॉर्मर भी हैं, यहाँ की कंडीशंस को देखते हुए कोशिश करेंगे कि ये हमारे लिए अच्छा मौका है हमारी टीम के लिए। जब आप होम कंडीशंस में आते हैं तो सडनली आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है आप फील करते हैं, होम में आके कंडीशन से बहुत ज़्यादा आप हमांग ही होती है आपकी परफॉर्मेंसेस बेहतर होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होता है, तो बहुत सारे हमारे सामने चैलेंजेस ज़रूर हैं बट हमें उनको देखना और कोशिश करनी है कि ऐसी टीम हमने बनानी है कि हम ये सीरीज जीतें, ये हमारे पास अच्छा चांस है। बट साउथ अफ्रीका नो डाउट गुड साइड और हमें वी हैव टू प्ले वेरी गुड क्रिकेट। मिसबाह, फवाद आलम की कारकर्दगी के बाद काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें काफ़ी साल जो है वो बाहर बिठाया गया, इस तरह एक दो और प्लेयर्स सीनियर्स में बोल रहे हैं, तो आप समझते हैं कि इस पर कोई रिग्रेट्स हैं आप, क्योंकि आप कप्तान भी रहे और उसमें भी आपकी राय थी, आप चीफ सेलेक्टर भी रहे। देखिए जब मैं कप्तान था तो आपके सामने है जी कौन खेलता था, अजहर अली नंबर 3, यूनस खान नंबर 4, मैं 5, असद शफीक 6, और यही 6-7 साल आपका कंसिस्टेंटली ये बैट्समैन खेले, तो इस वजह से मिडल ऑर्डर में हमारे पास कोई ऐसी स्पेस नहीं थी जिसकी वजह से फवाद आलम नहीं खेल सका। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ आई थिंक वो मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है, बट मेन चीज़ यह है कि पीछे देखने की बजाय यहाँ पे वो परफॉर्मेंस उसकी आई, उसने अपने आप को प्रूव किया, तो आई थिंक ये उसका हक था कि उसको हम चांस देते हैं। हमने कोशिश की कि उसको हम बजाय एक आधा मैच खेल के साइड पे कर दें, इंग्लैंड में दो मैच कंसिस्टेंटली एटलीस्ट उसको 5-6 मैच मिलने चाहिए और फिर ही आपको डिसीजन, तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की और खुशी है कि उसने जो परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक लेवल पे की उसने वहाँ पे 100 किया, होपफुली कि वो इसको कंटिन्यू करे आगे और कैश इन करे इसको और ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मेन परफॉर्मेंसेस करे जो पाकिस्तान के काम है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। याकूब साहब बहुत ज़्यादा हो गए सवाल आपके, मेरे ख्याल में बिल्कुल मैंने पहले ही क्लियर किया जब ये सवाल हुआ है कि मेरे दिल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इफ अ सीनियर बॉलर परफॉर्मिंग वेल फॉर्म में आता है अच्छे रिदम में है तो दैट इज ऑलवेज गोल्ड फॉर योर टीम, तो मैंने पहले कहा है कि इफ ही परफॉर्म्स रिटायरमेंट की क्या जरूरत है, वही को हमारी आपस में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जस्ट गेट बैक इन फॉर्म परफॉर्म करे, मेरी तरफ से दरवाजे खोले हैं उसके लिए। थैंक यू सो मच।